गिर जाओगी, ब्रेक लगेगा अभी, गिरोगी नहीं करो। पूरे समय ये करती रहती, गोदी में बैठेगी फिर जाएगी। लालू आ जाओ, लाला आ जाओ। हे गाइस, कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग बिल्कुल अच्छे होंगे। मैं भी बिल्कुल अच्छी हूँ, बिल्कुल ही अच्छी हूँ। और मैं जा रहा हूँ कहाँ पे? NCPA जा रहा हूँ। वहाँ पे अपने जो प्ले डर्ट कर रही हूँ उसके लिए रेकी पे जा रही हूँ, डायमंड पॉइंट में अपने प्ले की रेकी के लिए। तो मिलता हूँ आपको वहाँ पहुँच के। टाटा। लारा कभी पीछे नहीं छूटती है, जहाँ ले जा पाते हैं वहाँ इनको ले जाते हैं। अभी मीटिंग में भी जा रही है, डायमंड पॉइंट इतना दूर घर से ये भी जा रही है। लारा तुम क्या करोगी मीटिंग में? तुम क्या करोगी मीटिंग में बताओ? लारा तुम क्या करोगी मीटिंग में? मैं मीटिंग लूंगी और सबको काटूंगी, सबको भूख लूंगी, सबको प्यार करूंगी। बांद्रा से कनेक्ट हो जाना चाहिए, उधर से देवी से बन जाना चाहिए सीधे सौ कनेक्शन। हाँ, सी लेवल हर साल बढ़ रहा है। देखिए गाइस, इसको अभी से तैयारी चल रही है, इसकी बाउंड्री लाइन और बढ़ा रहे हैं, ऊंची कर रहे हैं इसको ही। सी गाइस, दिस इज द पार्किंग स्पेस इन NCPA, नेशनल हेरिटेज ऑफ performing arts and culture. It will be a privilege for me to direct a play here. Look at this environment. Guys, I am privileged. देखिए कितना सुंदर है, मैं जा रही हूँ ऊपर, बहुत सुंदर है। आउटर साइड है, देखिए कितना खूबसूरत झूमर है। माय गॉड, क्या जगह है ये।
देखिए गाइस, अंदर का सिटिंग अरेंजमेंट कितना खूबसूरत है। गाइस बहुत खूबसूरत है, बहुत ही खूबसूरत है, बहुत अच्छा है ये। देखिए मैं स्टेज पे बैठी हूँ, क्या मस्त मज़ा आ रहा है, बहुत ही फैबुलस है, फैब फैब टोटली फैब। आई एम सो फैसिनेटेड विद दिस थिएटर नाउ, सो गुड सो गुड। लाइट्स चल गए, हाँ अरे अच्छे लाइट्स है। क्या बता रहे हैं आप, ये सीज ओपेरा है, ये सीट्स अंदर चली जाती हैं। अच्छा हाँ, ये ओपेरा के लिए एकदम परफेक्ट है। यस वाह, क्या झूमर है, देख ये कंस्ट्रक्शन चल रहा है क्या बगल में? अच्छा ये कौन सी है बगल में जो बिल्डिंग है, ये एनसीपी अपार्टमेंट है। अच्छा वो 20-25 साल पहले फ्लैट बेचा था 50 करोड़ का एक फ्लैट। बाप रे 20 साल पहले 50 करोड़, तो अब इसका रेट क्या होगा भैया बाबू? द व्यूज गाइस, हमने बैकस्टेज एरिया देखा नहीं, नहीं वो भी देखो, बहुत सुंदर है ये बैक व्यू है यहाँ का, पीछे सी खुला हुआ है। स्टे को देखो, खा पी के मोटा किया हुआ है। ओले बेबी, ओले बेबी, ओले बेबी शोला। गाइस मैं टेक्निकल रेकी के लिए आई हुई हूँ आज NCPA में। बहुत बड़ी स्पेस है, चलते चलते थक गए भैया, बहुत मेहनत करनी पड़ती है बॉम्बे में, अपने पैर जमाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। टूटे पैर से चल रहा हूँ मैं, पर चलता जा रहा हूँ मैं और चलता जाऊँगा, ये मेरा विश्वास है। ये अब दूसरा थिएटर देख रही हूँ NCPA का, बहुत सुंदर। बिस्मिल्ला खां है ये ना, हाँ देखा कभी, सब लोगों ने बजाया यहाँ पे, जाकिर हुसैन, शिव कुमार शर्मा, ये टेलिन मार्बल है ना, तो उनको संभाल के रखा था, तिरपिट के लाया था वहां से। एक मिनट दो, वीडियो बना लो, ये तो सौगात है सब रखने लगे। स्पॉटलाइट कितना है? वो नहीं, वो तो जितना मांगता उतना लगा सकते हैं रिक्वायरमेंट के हिसाब से। अच्छा हे गाइस बैक टू होम, सुबह से निकली थी अभी 8:15 हो गया, अब घर वापस पहुंची हूँ। साउथ बॉम्बे से निकली थी 6:30 पे,
8:30 हो गया घर पहुंचने में। तो ये है भाई साहब मुंबई, यहाँ पे इतनी ही मेहनत करनी पड़ती है भाई लोगों, इतनी ही मेहनत करनी पड़ती है भाई लोगों। और यहाँ अंधेरी ईस्ट से अंधेरी वेस्ट जाने में 1.5 घंटा लग जाता है, ईस्ट टू वेस्ट सेम लोकेशन में 1.5 घंटा लगता है। तो भाई ये तो कोलाबा था, एक्सेप्टेबल है कि तब तो इतना ही टाइम लगेगा, क्या करें भाई साहब, ये मुंबई है मुंबई, ये सिटी को मैं ऐसे मत आना भाई लोगों, ये मत समझना यहाँ फिल्मी लाइफ है, बड़ा चकाचक ग्लैमर है जी, बहुत आराम है, शूट दर शूट करेंगे भाई लोगों। जब भी ट्रेवल करोगे ना ईस्ट टू वेस्ट, पहले तो वेस्ट में रहने के लिए पैसे बहुत कमाने पड़ेंगे, और दूसरी चीज वो पैसे कमाने में अपनी रोज की आप ट्रेवल करो, रोज अपनी दिन रात एक मेहनत करो, तब आप बॉम्बे में रहने का सोचना, अगर आप इस लाइफ को झेल पाओ, रोज का 1.5 घंटा का जाना 1.5 घंटा आना, वहां का गंदा ट्रैफिक, मर मर के काम करो कहीं पहुंच के, मिडिल क्लास वालों के लिए यहाँ कोई जगह नहीं है भैया, मेरा ये एक्सपीरियंस है, यहाँ बहुत मेहनत है। आप अगर पैशनेट हो किसी चीज को लेकर, अपनी अच्छे से बत्ती बंद करवा सकते हो मेरी तरह से, तो सिटी को चूज करो, अदरवाइज नहीं। चलो टाटा बाय बाय, मुलाकात करूंगी भैया, मेरे को नहीं लगता यहाँ पे किस तरह से लोग स्ट्रेंथ रखते हैं मुंबई में रोज ब्लॉक करने की, बहुत मुश्किल है भैया, यहाँ बहुत थकता है आदमी, औकात ही नहीं रह जाती है।